प्लास्टिक के खिलाफ अभियान में एक कदम आगे बढ़ते हुए रेलवे अब ट्रेनों में मिलने वाले खाने की पैकेजिंग में एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भी बंद करने जा रहा है। रेलवे ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बेस किचन में एल्यूमिनियम फॉयल की बजाय खाने की पैकेजिंग के लिए गन्ने के वेस्ट से बनी प्लेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और बायोडिग्रेडेबल है। देश भर में प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन रेलवे इससे भी एक कदम आगे निकलते हुए एल्यूमिनियम फॉयल, जिसमें अब तक रेलवे अपना खाना पैक करता था, उसको बाय बाय करने जा रहा है। आप देखिए कि रेलवे में पहले आपको इस तरह की जो एल्यूमिनियम फॉयल से बनी हुई प्लेटें होती थी, इनमें खाना मिलता था, लेकिन अब रेलवे में आपको जो खाने दिखाई पड़ेगा वो आपको इस तरह की पैकिंग में दिखाई पड़ेगा। आप देखिए ये जो प्लेट है, ये गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी गन्ना से जो रस निकलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे ये प्लेटें बनाई जाती हैं। इसको बगासे बोलती हैं और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसमें खाना जो है रेलवे की तरफ से पैक हो रहा है। आप देखिए कि ये खाना इस तरह से पैक होता है और इसमें अब कहीं पर भी आपको एल्यूमिनियम फॉयल नहीं दिखेगी। आप देखिए ये पूरा रेलवे का बेस किचन है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और अगर आप देखिए कि ये ऑटोमेटिक तरीके से पूरा का पूरा खाना जो है पैक होता है और इस तरह से प्लेटों में पैक हो करके इसके ऊपर फिलहाल रेलवे, अगर आप देखें तो ये जो पॉलिथीन अभी फिलहाल यूज की जा रही है, ये भी 50 माइक्रोन से ऊपर की है, लेकिन जल्दी ही रेलवे इसको भी रिप्लेस करने की योजना बना रहा है। इसके बदले भी दूसरा मटेरियल जो है ऊपर यूज किया जाएगा और इस तरह से ये जो प्लेटें हैं ये तैयार की जा रही हैं। दूसरी एक चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप पहले जो रोटी देखते थे वो भी एल्यूमिनियम फॉयल में पैक होती थी, लेकिन अब वो रोटी भी आपको इस तरह से बटर पेपर में पैक होकर के मिलेंगी, और जो ये डिलीवरी होगी वो भी, मतलब रेलवे के जो कोचेस में खाना पहुंचता है वो पहले पॉलिथीन में पहुंचता था, लेकिन अब जूट बैग में ये खाना रेलवे के किचन से खुद ट्रेनों तक पहुंचेगा और वहां से इस तरह से जो इको फ्रेंडली पैकिंग है उसमें लोगों को मिलेगा। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।